हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वाति सुहाने। वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन कुकिंग कल्चर। फूड में अगर ग्रैंड फिनाले की बात की जाए तो इसमें डेजर्ट का नंबर आता है। एंड जो इंडियन डेजर्ट्स हैं उनकी तो बात ही अलग है, क्योंकि इंडियन डेजर्ट्स में एक खास बात ये होती है कि ये मिठाइयाँ जनरली मिल्क बेस्ड होती हैं। किसी में मिल्क यूज़ होता है, किसी में कर्ड यूज़ होता है एंड किसी में पनीर यूज़ होता है, और कुछ मिठाइयों में खोवा यूज़ होता है। एंड अगर सारी की सारी इंडियंस डेजर्ट्स को कंपेयर किया जाए तो मेरे हिसाब से सबसे सिंपल एंड सबसे डिवाइन डेजर्ट है रबड़ी। रबड़ी एक बहुत ही सिंपल रेसिपी है। इसे हमें मिल्क को रिड्यूस करके बनाना होता है। रबड़ी की रेसिपी जितनी सिंपल है, इसके इंग्रेडिएंट्स भी उतने ही कम हैं। मीन्स इसे बनाना बहुत ही इजी है। रबड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हमें मिल्क को बॉईल करना है। एंड रबड़ी बनाने के लिए मिल्क को हमेशा एक बड़ी और फैली हुई कढ़ाई में बॉईल करें। एंड मिल्क हमेशा फुल फैट वाला ही यूज़ करें। रबड़ी के लिए हमें मिल्क को रिड्यूस करके थिक तो करना ही है, एंड इसका जो टेक्सचर है वो थोड़ा लच्छेदार वाला होना चाहिए। इसीलिए लच्छेदार रबड़ी बनाने के लिए हमेशा फैली हुई कढ़ाई का ही यूज़ करें। मिल्क को हमें रेगुलर चलाते हुए ही बॉईल करना है। एंड जब मिल्क बॉईल हो जाए तो गैस की फ्लेम मीडियम कर दें। एंड रबड़ी बनाते समय एक बात का विशेष ध्यान रखें, जब हम मिल्क बॉईल कर रहे हैं उसे चलाते समय आप मिल्क को कढ़ाई की साइड्स में लगाते हुए चलाएँ, ताकि जब ये कढ़ाई की साइड्स का मिल्क थोड़ा ड्राई हो जाए तो इन्हें हम स्क्रेप करके मिल्क में ही ऐड करते जाएंगे। सेम प्रोसेस से हमें पूरी रबड़ी बनाकर तैयार करना है। जितनी बार भी आप मिल्क को स्टेयर करें तो उसकी साइड्स में भी मिल्क लगाते जाएं, एंड साइड से सारी मलाई को स्क्रेप करते जाएं और मिल्क में ऐड करते जाएं। इसी तरह से बनेगी हमारी लच्छेदार रबड़ी। एंड जब मिल्क बॉयल होता है तो ये देखिए, इसके ऊपर जो ये मलाई की लेयर बनी है इसे अभी हमें मिल्क में ऐड करते जाना है, ताकि हमारी रबड़ी एकदम लच्छेदार बने। मिल्क काफ़ी अच्छा रिड्यूस हो चुका है, इसकी क्वांटिटी लगभग हाफ हो चुकी है। बस इसी तरह हमें मिल्क रिड्यूस करना है और रेगुलर चलाते हुए इसकी जो साइड्स में मलाई है उसे कलेक्ट करते जाना है। एंड जैसे ही मिल्क में ऊपर मलाई की लेयर पड़ेगी उसे भी हमें मिल्क में कलेक्ट करना है। सेम प्रोसेस से हमें मिल्क को तब तक रिड्यूस करना है जब तक कि ये 1/4 ना रह जाए। वैसे आजकल रबड़ी को बहुत सारे डेजर्ट के साथ भी सर्व किया जाता है। इसे जलेबी के साथ, इमरती के साथ, गुलाब जामुन के साथ एंड शाही टुकड़ा के साथ भी इसे सर्व किया जाता है। रबड़ी के साथ ही आजकल बहुत सारे डेजर्ट बनाए जाते हैं। एंड रबड़ी जब भी स्वादिष्ट लगती है जब ये एकदम ठंडी हो। तो रबड़ी को बनाने के बाद आप इसे 2-3 घंटे फ्रिज में रख दें। जब ये सेट हो जाए फिर आप इसे यूज़ करें। ये देखिए, मिल्क काफ़ी रिड्यूस हो गया है। अभी हमें इसे 5 से 10 मिनट और रिड्यूस करना है। अब इस स्टेज पर हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा मिश्री पाउडर एंड थोड़ा सा इलायची पाउडर। रबड़ी खाने में जितनी स्वादिष्ट लगती है इसकी रेसिपी उतनी ही सिंपल है। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में बनकर तैयार हो जाती है। बस हमें इसे चलाते समय ध्यान रखना है कि जो भी इसमें मलाई ऊपर इकट्ठी हो रही है या कढ़ाई की साइड्स में जो भी मलाई लग रही है उसे हमें कलेक्ट करते हुए ही मिल्क को चलाना है। फाइनली मिल्क रिड्यूस होकर एकदम 1/4 हो गया है। अब इस स्टेज पर गैस की फ्लेम ऑफ कर दें और रबड़ी को ठंडा होने दें। एंड जब मिल्क ठंडा होता है तो फिर इसमें एक ऊपर की सतह पर मलाई की लेयर बन जाती है। इसे भी आप मिल्क में कलेक्ट कर लें और फिर इसे मिक्स कर दें। एंड जितनी बार भी रबड़ी के ऊपर ये मलाई वाली लेयर बने उसे आप कलेक्ट करते जाएं, तो हमारी परफेक्टली लच्छेदार रबड़ी बनकर तैयार हो जाएगी। सो फाइनली लच्छेदार रबड़ी बनकर तैयार है। अब इसे आप ठंडा होने दें और 2 से 3 घंटे के लिए आप इसे फ्रिज में रख दें।
फिर इसे आप सिंपल भी खा सकते हैं एंड किसी भी चीज के साथ इसे आप सर्व कर सकते हैं। ये देखिए, 2-3 घंटे के लिए मैंने रबड़ी को फ्रिज में रख दिया था। ये कितनी लच्छेदार और शानदार रबड़ी बनकर तैयार हुई है। तो इसी तरह आप भी बना सकते हैं घर में स्वादिष्ट लच्छेदार रबड़ी एंड इसे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम मीठा या ज़्यादा मीठा कर सकते हैं। वैसे मिल्क में अपनी ही एक स्वीटनेस और सौंधा वाला टेस्ट होता है, इसलिए आप इसमें बहुत लाइट शुगर भी ऐड करेंगे तो ये रबड़ी बहुत स्वादिष्ट बनेगी। एंड गार्निशिंग के लिए आप अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर सकते हैं। सो फाइनली लच्छेदार रबड़ी इज रेडी। सो प्लीज ट्राई इट एंड शेयर योर एक्सपीरियंस। स्वादिष्ट लच्छेदार रबड़ी बनाने के लिए हमेशा फुल फैट वाला मिल्क ही यूज करें एंड मिल्क जब तक बॉयल ना हो जाए इसे रेगुलर नीचे से चलाते हुए मिक्स करें ताकि ये नीचे से लगे ना। एंड कढ़ाई की साइड्स में जो भी मलाई इकट्ठी हो रही है उसे आप स्क्रेप करते जाएं और इसमें मिक्स करते जाएं। एंड रबड़ी को सेट होने के लिए थोड़ी देर फ्रिज में ज़रूर रखें। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।